आपका स्वागत है आयुर्वेदिक क्लासरूम में। यहाँ से हम रसशास्त्र का इतिहास करने वाले हैं। देखिए, जो रसशास्त्र का इतिहास है, इसमें जो प्रथम है वो क्या है, रसेंद्र मंगल कक्षकूट जो है बुक है ये। यहाँ इसकी जो रसशास्त्र है, ये इसका प्राचीनतम ग्रंथ है, जो वो रसेंद्र मंगल कक्षकूट है। ठीक है, ये लिखा किसके द्वारा गया है, नागार्जुन के द्वारा। तो ये इसकी जो ये प्राचीनतम ग्रंथ है, तो इसकी जो शताब्दी है वो 8वीं से 8 शताब्दी में ये लिखा गया था। और देखिए, यहाँ पर जो रसिंदर रस हृदय तंत्र है, देखिए हर इसको याद कैसे करना है। देखिए, हृदय रस हृदय तंत्र, हृदय में कौन बसता है, गोविंद। ठीक है, यहाँ पर यानी कि हृदय में कौन है, भगवान, यानी कि गोविंद। ठीक है, तो इसको याद करने है, रस हृदय तंत्र, भिक्षु गोविंद पादाचार्य, और जो गुरु गोविंद सिंह जी थे वो सिखों के 10वें गुरु थे, इसको ऐसे याद कर लेना। ठीक है, उसके बाद रसार्णव। तो यहाँ से इसकी जो इसकी हिस्ट्री है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि 19 अबोध इसमें मिलते हैं, गंधक जागरण का प्रथम वर्णन कहाँ मिलता है, रस हृदय तंत्र में। ठीक है, उसके बाद जो रसार्णव, रसार्णव का वर्णन आ जाता है, तो रसार्णव भैरवानंद योगी, रसार्णव भैरवानंद योगी, और भैरवानंद से ही आप 12 को याद कर लो, प फ ब, ऐसे ही आप 12 12 को याद कर लो। और इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने याद करना है वो ये है कि इसमें शिव पार्वती, जो ये ग्रंथ है, ये शिव पार्वती के संवाद के रूप में लिखा गया है, और ये संग्रह ग्रंथ है। इसमें धातु ज्वाला का वर्णन मिलता है, धातु ज्वाला का, धातु ज्वाला आगे परिभाषा प्रकरण में हम इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन एक बार आप यहाँ से याद कर लीजिए कि इसमें धातु ज्वाला का जो वर्णन मिलता है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए आप यहाँ पर रसार्णव, रसार्णव भैरवानंद योगी, ये तो हो गया आपका गोरक्ष संहिता, गोरखनाथ, कितने सेंचुरी, 12th सेंचुरी। ये सारे एक मैंने जो नोट्स बनाए हैं, ये ऐसे ही बनाए हैं कि देखिए यहाँ पर 12th सेंचुरी वाले ही चलेंगे। ठीक है, गोरक्ष संहिता में 1 लाख श्लोक है, इसमें खेचरी गुटिका का वर्णन मिलता है, इसके बारे में एक विशिष्ट पेज में अलग से भी मैंने वर्णन किया गया है, एक बार आप यहाँ से यही याद कर लो। उसके बाद देखिए जो रस इंद्र है, चूड़ामणि, मणि चूड़ामणि, ठीक है, चूड़ामणि का जो राइटर है वो है सोमदेव। सोमदेव कितने साल के हैं, 12 वर्ष के। ठीक है, इसको आप ऐसे याद कर लें। ठीक है, और इसके अध्याय कितने हैं, 16 अध्याय। ठीक है, तो इससे आपकी सदी भी याद होगी। उसके बाद देखिए रस प्रकाश सुधाकर, देखिए इसके राइटर हैं जशोधर भट्ट। इसको याद कैसे करना है, देखिए जो जशोदा थी वो कृष्ण जी की मैया थी। ठीक है, और कृष्ण के जो पीछे आपने देखा होगा फोटो में कि सर पे प्रकाश प्रकाश विद्यमान रहता है, तो यहाँ से याद करें जशोधर भट्ट, रस प्रकाश सुधाकर। ठीक है, इसकी इनकी सदी भी 12th सेंचुरी थी। और जो रस प्रकाश सुधाकर यानी कि जशोधर भट्ट थे, इन्होंने रस कर्पूर का सर्वप्रथम वर्णन किया था, तो रस कर्पूर को ही कुपिपक रसायन भी कहा जाता है, तो इसीलिए कुपिपक और रस कर्पूर का वर्णन सर्वप्रथम रस प्रकाश सुधाकर में जशोधर भट्ट जी ने किया था। उसके बाद आ जाइए रस रत्न समुच्चय, ये तो इम्पोर्टेंट है, इसको तो आप सीधा ही याद कर लो, रस रत्न समुच्चय, रस भागवत 13th सेंचुरी, इसको आप याद करें 13 भागवत, तो 13 भागवत, 13, इसको ऐसे याद करना, 13 भागवत। ठीक है, 13 भागवत, किसी को बोलते थे, कोई बोल रहा है कि 13 भागवत, ठीक है, कि तुम्हारा भागवत। ठीक है, इसमें 2 खंड है, 30 अध्याय है, और ये रस शास्त्र का उत्कृष्ट ग्रंथ है, सबसे उत्कृष्ट ग्रंथ तो यही है। ठीक है, इसको आपको ऐसे याद कर लेना है। उसके बाद आ जाइए यहाँ पर रस रत्नाकर, रस रत्नाकर, रस रत्नाकर कौन है, पार्वती पुत्र नित्यानाथ। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, रस रत्नाकर के अनुसार बताइए। ठीक है, रस रत्नाकर कौन है, पार्वती पुत्र नित्यानाथ, पार्वती का पुत्र है जो, वो रस रत्नाकर है। ठीक है, और 13th सेंचुरी, इनकी 13th सेंचुरी है। और इसमें जो याद करना है आपको, ये भी याद कर लेना है, एक बार पढ़ जरूर लेना है, कभी भी यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया लेकिन इसमें से पूछा जा सकता है। देखिए, मणिक्कय, मुक्ता, प्रवाल, हिंगू, कर्पूर, कस्तूरी, कुमकुम। ठीक है, ये इनका जो आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम आर्टिफिशियली इनके बनाने की प्रोसेस का वर्णन रस रत्नाकर में मिलता है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए आप नंदकंद, अनंतकंद किसने, मंथान भैरव ने। देखिए जो मंथान भैरव है, मंथान भैरव को आनंद की प्राप्ति होगी। ठीक है, कंद खा के, कंद मूल खा के मंथान भैरव को आनंद की प्राप्ति होगी। ठीक है,
तो ये आपने याद कर लेना कि 13, ये भी 13 है। रसराज लक्ष्मी, देखिए लक्ष्मी जो किसके किसकी पत्नी थी, लक्ष्मी विष्णु की पत्नी थी, ठीक है, भगवान विष्णु की। तो रसराज लक्ष्मी विष्णुदेव गुप्त, 14th सेंचुरी, 14, ठीक है। और यह रसार, रसार कौन है? रसार हम भगवान को नहीं बोलते कि यार भगवान को देख लिया तो ऐसे लगा कि तृप्ति हो गई, तो भगवान को देख के रस, क्योंकि वो भगवान रसार थे। रससार मतलब एक अध्यात्म रस की प्राप्ति होती है, जैसे कि गोविंदाचार्य को देखकर रस रस की प्राप्ति हुई। रससार कौन है? गोविंद आचार्य, ठीक है। रस पद्धति आचार्य बिंदु, ये मेरे दोस्त का नाम बिंदु है, तो उससे मैंने याद कर लिया था कि आचार्य बिंदु हैं जो वो रस पद्धति के लेखक हैं। तो इसको तो ये थोड़े अनुभूत योग होते हैं, जैसे कि वो बंदा खुद याद कर लेता है। आप भी इसको कहीं से कहीं अटैच करके पढ़िए तो याद होंगे, ठीक है। देखिए रसेश्वर दर्शन, ये इंपॉर्टेंट है। जो रसेश्वर दर्शन है ये किसने लिखा है? माधव आचार्य ने। माधव आचार्य, माधव भगवान कृष्ण को भी माधव कहा जाता था, तो वो ईश्वर भी हो, ईश्वर भी बोलते हैं उनको, और रसेश्वर, ठीक है। रस चिंतामणि, रस चिंतामणि किसकी है? अनंत देव सूरी, अनंत देव सूरी, अनंत देव सूरी को क्या है? चिंता। सूरी को क्या है? चिंता। 15th सेंचुरी है इनकी, और इनमें 11 शतवक मिलते हैं। क्या मिलते हैं? 11 शतवक, ठीक है, बिल्कुल आपको याद कर लेना। रसेंद्र चिंतामणि, रसेंद्र चिंतामणि, रसेंद्र चिंतामणि ढुंडुकनाथ, रसेंद्र चिंतामणि ढुंडुकनाथ, 15:9, ठीक है। इसको भी आप किसी से रिलेट करके पढ़ना है, जैसे रस की चिंता किसको है? अनंत देव सूरी को, पर लेकिन इंद्र की चिंता किसको है? ढुंडुकनाथ को, ठीक है। या फिर बोल दे कि इंद्र हैं जो ढुंडुकी ढुंडुकी बजाते हैं, ढुंडुकी, इसको ढुंडुकी बोल देते हैं, डमरू को ढुंडुकी बोल देते हैं। जो रस इंद्र है वो चिंता से ढुंडुकी ढुंडुकी बजाते हैं, ढुंडुकी, ठीक है। देखिए रसमंजरी, रसमंजरी मंजरी किसको बोल देते हैं? ऐसे जो चावलों की ऐसे बल्ली सी नहीं होती, बल्ली सी है ना, ऐसे एक बल्ली सी होती है, तो इसे मंजरी बोल देते हैं। तो शाली चावल होते हैं, शाली चावल की क्या होती है? मंजरी। तो रस मंजरी किसने किसने ली? शालीनाथ ने, ठीक है। और लोहो सर्वेश्वरम, लोहो सर्वेश्वरम किसने ली? आचार्य सुरेश्वरम। लोहो सर्वसम आचार्य सुरेश्वरम, लोहो सर्वस्व आचार्य सुरेश्वरम। इसको 4-5 बार ऐसे आप लोग को याद करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए रस इंद्र सार संग्रह, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। रस इंद्र सार संग्रह जो बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, तो ये आजकल क्लिनिकल जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं वो इसको काफी यूज करते हैं। रस इंद्र सार संग्रह गोपाल कृष्ण भट्ट ने लिखा है, कलेडा पब्लिकेशन है इनकी, 16th सेंचुरी में लिखा है, और सर्वप्रथम पोटली पाक कल्पना का वर्णन इसमें मिलता है, ठीक है, ये आपको याद हो गया। उसके बाद आ जाइए रस इंद्र कल्पद्रुम में, रस इंद्र कल्पद्रुम किसके द्वारा लिखा गया है? रामकृष्ण भट्ट के द्वारा, रामकृष्ण भट्ट के द्वारा जो लिखा गया है रस इंद्र कल्पद्रुम, 16th सेंचुरी। और ये देखिए जो रस इंद्र सार संग्रह और रस इंद्र कल्पद्रुम दोनों के जो लेखक हैं, गोपाल कृष्ण भट्ट और रामकृष्ण भट्ट, ये दोनों भाई हैं, ठीक है, इसको आप ऐसे याद कर लें। उसके बाद देखिए रस प्रदीप, प्रदीप का प्र और ये प्राणनाथ, ऐसे याद कर लेना है आपको, ठीक है, ये भी 16वीं सेंचुरी। रस कौमुदी, रस कौमुदी जो कौमुदी है उनके पति का नाम क्या है? ज्ञानचंद्र। कौमुदी के पति का नाम क्या है? ज्ञानचंद्र शर्मा, ठीक है, इसको आप ऐसे याद कर लें। और जो रस कौमुदी है इनमें अधिकार, इनमें चैप्टर को क्या कहा जाता है? अधिकार। चैप्टर का नाम क्या है? अधिकार। और इसमें 4 अधिकार है, यानी कि इसमें 4 चैप्टर्स हैं, ठीक है। और इसको आप पूरी लाइन ऐसे याद कर लें कि जो कौमुदी है वो अपने पति ज्ञानचंद्र शर्मा पर अधिकार जमा के बैठी है, ठीक है। उसके बाद आ गया राज रस कामधेनु, चूड़ामणि मिश्रा। अब देखिए जो मणि है, मणि यानी कि पैसे, पैसे की सभी कामना करते हैं, कामधेनु, 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 ठीक है, चूड़ामणि मिश्रा रस कामधेनु, ठीक है। मतलब इसको थोड़ा रिलेट कर लें कि जो मणि है, मणि मणि की सब क्या करते हैं? कामना, ठीक है। इसके भी 4 पाद हैं, और इसमें जो अध्याय का नाम है उसे पाद बोला गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए वृत्त योग तरंगणी, बड़ी योग तरंगणी, इसमें 148 तरंग है, इसीलिए इसको बड़ी योग तरंगणी कहते हैं। और यहाँ पर देखिए छोटी योग तरंगणी, ये इसमें 80 तरंग है, ठीक है। तो ये दोनों जो तरंगणियां हैं, वृत्त योग तरंगणी और रस योग तरंगणी, ये त्रिमल भट्ट द्वारा लिखी गई है। और देखिए अब
इनकी सेंचुरीज भी सेम ही है, क्योंकि कोई बंदा 100 साल से ज्यादा तो जी नहीं सकता, ठीक है। और एक 148 तरंग है जो बड़ी योग तरंगनी है, बृहत्तर योग तरंगनी है, उसमें 148 तरंग है। और जो छोटी योग तरंगनी है, देखिए यहाँ पर इसमें क्या है, 17 तरंग रसविषयक है, रसविषयक जो 17 तरंग है, लेकिन ये चिकित्सा प्रधान ग्रंथ है। एक बार ना किसी क्वेश्चन में ये, किसी जो पेपर में ये आया हुआ है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन। उसके बाद देखिए आयुर्वेद प्रकाश, आयुर्वेद प्रकाश किसने, माधव, माधव उपाध्याय, माधव उपाध्याय, माधव उपाध्याय, ठीक है, माधव उपाध्याय, इसको आप थोड़ा करेक्ट कर लेना, माधव उपाध्याय, ठीक है। इसमें 5 अध्याय मिलते हैं, 17th सेंचुरी में ये लिखा गया था, ठीक है। जो त्रिमल भट्ट थे और माधव उपाध्याय थे, ये आपसे दोस्त थे, बिल्कुल ये आपको याद कर लेना है, वैसे इससे आपका मतलब क्वेश्चन सही हो जाएगा। योग रत्नाकर, ठीक है, इसके जो राइटर हैं वो मयूरपाद भिक्षु कहीं कहीं पर आता है, लेकिन इसमें कोई कंफर्म कंफर्म नहीं है। पर लेकिन जो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि भीमसेनी कपूर का वर्णन और तंबाकू का वर्णन किसने किया था, तो इसमें आपने कर देना है योग रत्नाकर, ठीक है, योग रत्नाकर, ठीक है, इससे आपका ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। उसके बाद आ गया बिशिज्जे रत्नावली, बिशिज्जे रत्नावली किसने लिखी है, गोविंद दास सेन ने, गोविंद दास सेन, गोविंद दास सेन, बिशिज्जे रत्नावली, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, जो लोग यूजी कर रहे हैं उनको ये पढ़ना चाहिए, इसमें से काफी क्लिनिकल नॉलेज मिलती है, ठीक है। और जो बिशिज्जे रत्नावली है, इसमें जो मॉडर्न मॉडर्न डेज वाली डिजीज है उनका भी काफी वर्णन किया गया है, हम आगे के लेक्चर्स में इसमें इसके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि जो होता है वो हाइड्रोसफेलस, हाइड्रोसफेलस है ना, ऐसी बीमारियों के बारे में इसमें वर्णन किया गया है, ठीक। और वृत्त योग, वृत्त रस राज सुंदर, वृत्त रस राज सुंदर, सुंदर कौन है, दत्त, दत्त साहब, यानी कि जो संजय दत्त के फैन है उनको क्या लगता है, वो कि उनको सुंदर लगते हैं दत्त साहब, ठीक है। तो यहाँ से आप याद करें कि बृहत्तर रस राज सुंदर, दत्तराम चौबे, 19th। और जो संजय दत्त थे वो 19 साल में मूवीज करना शुरू कर दिया था उन्होंने, तो इसको ऐसे याद करें, ठीक है। उसके बाद देखिए सदा अनंत शर्मा, सदा अनंत, अनंत की प्राप्त, देखिए सदा अनंत की तरंगे आ रही हैं, इसको ऐसे याद करें, सदा अनंत की तरंगे आ रही हैं, सदा अनंत की तरंगे आ रही हैं, 20 तरंगे आ रही हैं, सदा अनंत की 20 तरंगे आ रही हैं, ठीक है। इसका जो इसके बारे में हम आगे स्पेशल प्रकरण में भी थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इसके बारे में पूछा जाता है, ठीक है। तो उसके बाद आ जाइए यहाँ पर, देखिए जो रसमित्र है, रसमित्र कौन है, त्र्यंबकनाथ शर्मा, जो त्र्यंबकनाथ है, त्र्यंबकनाथ, त्र्यंबकनाथ शर्मा, त्र्यंबक मतलब त्रय, इसमें क्या के त्रय है, और त्रय मित्र, त्रय मित्र, 3 मित्र यानी त्रय मित्र, ठीक है, इनका भी जो 20वीं सदी में ग्रंथ लिखा गया है। उसके बाद आ जाइए जल निधि, रस जल निधि, रस जल निधि किसने लिखी है, भूदेव मुखर्जी, जल कहाँ से निकलता है, भूमि से, ठीक है, तो इसको ऐसे याद करें, जल कहाँ से निकलता है, भूमि से, भूदेव मुखर्जी, ठीक है। उसके बाद आ गया हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री बाय पीसी रॉय, बाय पीसी रॉय, ठीक है, पीसी रॉय, इंग्लिश नेम है, इंग्लिश ही करेक्टर का नेम है, 1904 ईस्वी में लिखी गई थी। रसायन सार कौन है, श्याम सुंदर आचार्य कहते हैं, जो रसायन खा के रसायन सार हो गए वो है सुंदर, वो ही सुंदर लगेगा, देखिए श्याम से वो सुंदर हो गए, पहले वो श्याम थे फिर वो सुंदर हो गए, ठीक है। रसायन सार कौन है, श्याम सुंदर आचार्य, 1914 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था ना, सर्वार्थकारी भट्टी, यानी कि ऐसी भट्टी का, ऐसी भट्टी के बारे में बताया था जो सर्व सर्व कार्यों में प्रयुक्त हो सकती है, ठीक है। उसके बाद क्या है, रस योग सागर, सागर, सागर ऐसा, जब देखिए जब वो पानी ज्यादा शुद्ध होता है तो उसका रंग कैसा लगता है, हरा हरा, ठीक है, हरा सा लगता है ना उसका रंग, तो रस योग सागर हरि प्रपन्न शर्मा। देखिए जब ज्यादा शुद्ध होता है, जैसे आप कभी सतलुज या गंगा जमुना देखिए, जब ही उसका पानी बहुत ही ज्यादा शुद्ध है तो वो हरे रंग का लगता है, तो यहीं से आपको याद कर लेना कि सागर हरि प्रपन्न शर्मा, ठीक है। ये 1927 में लिखा गया, ये नहीं पूछा जाता, लेकिन ये पूछा जाता कि नूतन कल्प ग्रंथ नामक ग्रंथ की रचना किन्होंने की थी, हरिप्रपन्न शर्मा ने, ठीक है। उसके बाद रसोद्वार तंत्र, कालिदास व्यास, कालिदास कहाँ पर बैठे हैं, द्वार पे, द्वार पे कालिदास बैठे हैं, तो यहाँ से याद कर लेना है रसोद्वार तंत्र, जो रस के द्वार पर क्या बैठ कौन बैठे हैं, कालिदास, ठीक है, ये आपको याद हो जाएगा। उसके बाद आगे आयुर्वेद खनिज विज्ञान, कविराज प्रताप सिंह,
देखिए, एक बार आपको ट्रिक ट्रिक याद करनी है, उसके बाद दो चार बार आप पढ़ोगे तो आपको सीधा याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, भारतीय रसशास्त्र, तो देखिए भारतीय रसशास्त्र में इसे कैसे याद करना है, वैद्य बामन देश बामन गणेश देसाई, भारतीय रसशास्त्र। देखिए भारत में क्या होता है, बामनों की यानी कि ब्राह्मणों की पूजा होती है, ठीक है। इसको कोई भी अपने पर्सनल मत लेना, ये सिर्फ याद करने के लिए एक ट्रिक है। भारत में बामनों की लोग ज्यादा पूजा करते हैं, ब्राह्मणों की यानी कि, ठीक है, ब्राह्मण और गणेश गणेश की भी पूजा होती है, वैद्य बामन गणेश देसाई, ठीक है, 1935 में। और ये मराठा मराठा थे, महाराष्ट्र में रहने वाले थे। वैसे भी आपने देखा होगा कि जो महाराष्ट्र में है वहां पर किसकी पूजा होती है, गणेश की पूजा होती है, ठीक है, गणेश पूजन होता है। तो वैद्य बामन गणेश देसाई मराठी में लिखते हैं, और इनकी जो बुक है वो है भारतीय रसशास्त्र, भारतीय रसशास्त्र। उसके बाद आ गया भस्म विज्ञान व कूपीपक निर्माण, तो ये किसने लिखी है, भस्म विज्ञान व कूपीपक निर्माण, स्वामी हरिशानंद शर्मा, 1950 में, ठीक है। रसामृत किसने लिखी है, यादव जी त्रिकम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको तो चाहे आप 50 बार लिख के याद करो, पर याद करो, ठीक है, ये पूछा जा सकता है भाई। तो सिद्ध विशिष्ट मणिमाला, तो मणियों की माला, ऐसे माला है मणियों की, है ना। तो क्या करते हैं, माला जब फेरते हैं तो राम और कृष्ण का नाम लेते हैं, तो सिद्ध सिद्धि प्राप्त करने के लिए, ठीक है, सिद्ध विशिज्य मणिमाला, तो राम कृष्ण पाठ, ठीक है, इसको ऐसे याद कर लेना। पारद विज्ञानी, पारद विज्ञानी वासुदेव मूल शंकर द्विवेदी। देखिए विज्ञानी, पारद का जो सारा विज्ञान था किनके पास था, शंकर के पास। पारद का जो सारा विज्ञान था वो किनके पास था, शंकर के पास, ठीक है। 1969 में ये लिखी गई थी। उसके बाद आ गया पारद संहिता, तो यहाँ पर देखिए ये कुछ कुछ चीजें होती हैं जो हमने खुद ही ऑब्जर्व की होती हैं। देखिए पारद संहिता, मेरा एक दोस्त है उसका नाम निरंजन प्रकाश है, तो मैंने तो उसके नाम से याद कर ली थी कि पारद संहिता भाई इसने लिखी है, ठीक है, पारद संहिता। तो इससे आप याद कर सकते हो, पारद संहिता और 45, पारद संहिता 45, पारद संहिता 45, तो सर्वाधिक ग्रंथों का वर्णन मिलता है इसमें। उसके बाद रस यहाँ ये काट दीजिए, रतन धातु विज्ञान, रतन धातु विज्ञान किसने लिखा है, वृद्धि नारायण शास्त्री ने, किसने लिखा है, वृद्धि नारायण शास्त्री। जिनके पास रत्न होते हैं लोग उनको बड़ा मानते हैं, या फिर आप ऐसे याद कर लीजिए कि वृद्ध लोग होते हैं, जो वृद्ध लोग वो रतन छुपा के रखते हैं अपने पास, ठीक है, वृद्धि नारायण शास्त्री, ठीक है, इसको ऐसे याद कर। रतन विज्ञान, रतन विज्ञान कौन है, राधा कृष्ण पराशर, इसको आप ऐसे याद करिए, रतन विज्ञान राधा कृष्ण पराशर, ठीक है। उसके बाद आगे इतिहास के, जो इतिहास है उसके विशेष बिंदु, ठीक है। देखिए रसशास्त्र का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन है, कुब्जी का तंत्र, ठीक है। अगस्त्य संहिता कपालिक संप्रदाय का ग्रंथ है, अगस्त्य संहिता किस कैसा कैसा ग्रंथ है, कपालिक संप्रदाय का ग्रंथ, कपालिक संप्रदाय, ठीक है। अगस्त्य संहिता के प्रति संस्कर्ता कौन है, बंगसेन, वंगसेन, वंगसेन, ठीक है, वंगसेन किसके प्रति संस्कर्ता है, अगस्त्य संहिता, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूछा गया है पहले भी, ठीक है। देखिए प्राचीनतम ग्रंथ में आपको दो दो चीजें टिक कर सकते हो, एक तो प्राचीनतम ग्रंथ कुब्जी का तंत्र है, दूसरा कौन सा है, रस इंद्र मंगल कक्षपुट, ठीक है, रस इंद्र मंगल कक्षपुट, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा अध्यायों के बारे में हम बात करेंगे कि कहाँ पर किस, देखिए यहाँ पर अलग अलग जो रस शास्त्र में हमें मिलती हैं बुक्स, उनमें ना अध्यायों के अलग अलग नाम बताए गए हैं, जैसे कि रसार्णव है, रसार्णव में ना अध्यायों को पटल कहा गया है, पहला पटल, दूसरा पटल, तीसरा पटल, ऐसे, ठीक है, तो इसमें पटल बोल देते हैं। रसार्णव और गोरक्ष संहिता को आप एक साथ याद कर लें, पटल बोलते हैं, ठीक है। रस हृदय तंत्र अबोध, हृदय से क्या होता है, किसी भी चीज का बोध होता है, तो इससे आप याद कर लो, हृदय रस हृदय तंत्र अबोध, कितने अबोध, 19, ठीक है। रस रत्नाकर, रस रत्नाकर कौन सा है, रस रत्नाकर खंड, रस रत्नाकर खंड, खंड बोलते हैं, रत्नाकर कौन बोलते हैं, खंड, ठीक है। तो ये आप याद कर लें। और आनंद कंद, आनंद कंद, आनंद कंद किसको बोलते हैं, उल्लास को। देखिए आनंद का मतलब उल्लास ही होता है, हृदय हर्ष हर्ष उल्लास, इसको आनंद बोल देते हैं, ठीक है, तो इसने उल्लास लिख दिया। और रस चिंतामणि, चिंता किससे करते हैं, सतव से, सतव यानी कि मन, मन से, तो चिंतामणि सतवक। जो कौमुदी है, रस कौमुदी, रस कौमुदी अपने पति पर क्या जमाती थी, अधिकार, ये हमने याद किया, ठीक है, ये हो गया आपका, ठीक है, चार इसमें चैप्टर हैं, पहले भी इसकी बात हो चुकी है। वसवराजियम, वसवराजियम
क्या है जो दक्षिण साउथ का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, ठीक है। तो इसमें बोलते हैं प्रकरण, प्रकरण क्योंकि ये साउथ का ग्रंथ है, साउथ का ग्रंथ है, तो इसको आप याद कर लो ऐसे, बसवराज का प्रकरण। सिद्ध विषज्य मणिमाला, देखिए माला में क्या होता है, गुच्छा होता है, माला एक मोतियों का गुच्छा होता है, ठीक है। इसमें पांच पांच तरंग मिलते हैं, ठीक है, ये आपको ऐसे याद हो जाएगा। उसके बाद रसतरंगणी, रसतरंगणी में क्या मिलता है, तरंग, तरंग से तरंग, तरंग से तरंग, ठीक है। आयुर्वेद प्रकाश, आयुर्वेद प्रकाश में क्या मिलता है, अध्याय, अ से अ याद कर लो, आयुर्वेद प्रकाश अध्याय, ठीक है। रस प्रकाश सुधाकर, रस प्रकाश सुधाकर, प्रकाश जितने जितने भी प्रकाश वाले ग्रंथ हैं उनमें अध्याय ही बोला जाता है, अध्याय में। और रस रतन समुच्चय तो आप सबका फेवरेट है, ठीक है, इसमें अध्याय बोला जाता है, ये आपको याद करने में 30 अध्याय है, ये इंपॉर्टेंट ही है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, इसके बारे में हम इसके बारे में पढ़ना है तकरीबन सारा कुछ, ठीक है। उसके बाद जो स्पेशल पॉइंट्स हैं ये कर लीजिए, देखिए गोरख संहिता है जो, उसमें 1 लाख श्लोक है, इसमें कादि और भूति का भूति प्रकरण में विभाजित है, ये क्या है, कादि और भूति जो प्रकरण है उसमें विभाजित है। इसमें खेचरी गुटिका का वर्णन मिलता है और सवर्ण निर्माण अर्थ गुटिका का वर्णन मिलता है, ठीक है। इसे कल्पतरु सदृश भी बोलते हैं, ठीक है, कल्पतरु सदृश, ठीक है। खेचरी गुटिका, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये भी पूछा जा चुका है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए रसतरंगिणी, रसतरंगिणी, ठीक है, रसतरंगिणी है जो, इसमें मुग्ध रस का वर्णन मिलता है, सोराख द्रव का वर्णन मिलता है, लवण द्रव का, गंधक द्रव का, रायतन तृत का वर्णन, और इसमें बस यही याद करना है कि घिरल्यालोक उपाधि किसको मिलती है, रसतरंगिणीकार घिरल्यालोक उपाधि किसको मिलती है। यहाँ पर आपने राइटर का नाम खुद फिल करना है, मैं तो आपको बता ही दूंगा, आपने क्या करना है, खुद सोच के फिल करना है इसमें, ठीक है, ये आपको याद करना है। और एक पॉइंट मैं आपको बताना भूल गया शायद, ऊपर आइए देखिए, नूतन कल्प बड़ा भी हो गया, ठीक है, चलिए। हाँ ये देखिए रसेश्वर जो दर्शन है, रसेश्वर, रसेश्वर दर्शन में पारद द्वारा मोक्ष की प्राप्ति का वर्णन किया है माधवाचार्य ने, ठीक है, पारद पार द्वारा मोक्ष प्राप्ति का वर्णन, ठीक है, ये आपको याद करना है, ऐसे आपको याद हो ही जाएगा। उसके बाद आ जाइए आप यहाँ पर, अगर आप स्क्रीनशॉट लोगे तो आपको एक्स्ट्रा जो क्वेश्चंस है, जब कुछ कुछ भी, तो आप यहाँ पर एक बार लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ यहाँ तक आपका रसशास्त्र का जो इतिहास है वो पूरा हो जाता है, और रसशास्त्र पूरा पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। धन्यवाद, बने रहिए आयुर्वेदिक क्लासरूम में मेरे साथ।